पहलवान बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों के परिणाम के विरोध के रूप में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा रहे हैं। गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों के परिणाम आए थे और उसमें पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूँ। कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है, यही मेरा स्टेटमेंट है। बजरंग पूनिया प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास मिलने भी पहुंचे, लेकिन पहले से अपॉइंटमेंट ना होने के कारण वो मोदी जी से नहीं मिल सके। ऐसे में बजरंग के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। पुलिस भी बजरंग को संभालती दिखी और पीएम मोदी से मुलाकात ना होने पर बजरंग ने फुटपाथ पर ही अपना पद्मश्री सम्मान चिट्ठी के साथ रख दिया। इसके बाद बजरंग ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो इन्हीं यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं घर जाऊंगा यहाँ से। पुलिस आपसे क्या कह रही है तब से लगातार? पुलिस तो ये बोल रही है कि भाई आप दो मिनट हमारे साथ चलो, हम आपको बात करते हैं आगे। अब ये मेडल आप लेकर अपने घर कभी नहीं जाएंगे? नहीं जी, धन्यवाद। ये बहुत देखो, बहुत जब 19 में मिला था बहुत सम्मान। आप प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए, लेकिन कोई संदेश आप मीडिया के जरिए उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, यही संदेश है प्रधानमंत्री जी के कि भाई शायद इन बेटियों की आवाज आप तक अभी तक ना पहुंची हो, आगे कभी पहुंचे तो इनको न्याय दिला दीजिए। अपने इस पत्र में बजरंग ने पीएम मोदी को अपनी बात विस्तार से बताई और कहा, इस सम्मान के बोझ के तले मैं दबा हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरे साथी खिलाड़ियों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, इस कारण मैं आपको ये सम्मान लौटा रहा हूं। सरकार के कई मंत्रियों की तरफ से हमें आश्वासन मिला कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। न्याय की लड़ाई में मेरे एक साथी को संन्यास तक लेना पड़ गया, लेकिन सरकार ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक FIR तक दायर नहीं की। इसीलिए महिला खिलाड़ियों को अपमानित होते हुए देखने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। इसके ठीक एक दिन पहले भारत की अनुभवी पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव गुरुवार यानी 21 दिसंबर को सम्पन्न हुए। संजय सिंह नए अध्यक्ष बने। ये पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। इस फैसले से नाखुश होने की वजह से साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। पहलवानों ने इस साल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोला था और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। अब उनके ही करीबी अध्यक्ष बन गए, जिस वजह से साक्षी ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। इस मुद्दे पर पहलवान साक्षी मलिक ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दिखती। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मौके पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।